स्वागत है आपका केबीपी न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। बड़ी खबर यूपी के जनपद बहराइच से आ रही है। गांव से शराब ठेका हटवाने को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर गांव से देशी शराब की दुकान हटवाने की मांग की है। जिलाधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी को पत्र भेजकर 15 दिन में शराब की दुकान हटवाने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब पीकर लोग गाँव की महिलाओं के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ करते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जरवल रोड थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत तप्पे सिपाह के अयोध्या पूर्वा में देशी शराब की दुकान संचालित है। गांव में देशी शराब की दुकान खुल जाने से अक्सर नशेड़ियों का जमावड़ा गांव के आसपास लगा रहता है। गांव में दुकान खुलने से बच्चे और बुजुर्गों को आसानी से शराब उपलब्ध हो जाती है। शराबी अक्सर गांव की महिलाओं पर छींटाकशी और छेड़खानी भी करते हैं। ग्रामीणों ने देशी शराब की दुकान हटाने को लेकर प्रदर्शन करते हुए 15 दिन के अंदर दुकान हटाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी बहराइच को पत्र भेजा है। 15 दिन में दुकान न हटने पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इस अवसर पर रमेश प्रधान, ब्रजमोहन, अमित कुमार, सुशीला सुहाग, मालती शांति, पूनम निषाद, शोभा सोनी, रीता समेत सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। ऐसा है, जो गांव के जो हमारे यहाँ गांव में जो देसी शराब की जो दुकान खुली हुई है, तो ये शराब की दुकान जो है ये ऐसी जगह संचालित है जहाँ पे जो है दो पुरों के बीच में है, और ऐसी दशा में जो है बच्चे, महिलाएं और सब इधर निकलते हैं, तो शराबी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो तमाम छींटाकशी करते हैं, तमाम जो है उस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे भविष्य में जो है कोई न दिन किसी न किसी दिन जो है कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है। तो ऐसी दशा में हम लोग शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस ठेके को जो है कहीं अन्यंत्र जो है स्थापित कर दिया जाए, जिससे कोई वाद विवाद ना हो और हमारे बीच में जो है समाज के अंदर जो महिलाएं हैं और छोटे बच्चे हैं जिनको जो है नज़दीक होने के कारण उनको शराब बहुत आसानी से मिल जाती है, तो उनका भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है। तो ऐसी दशा में इसको हटाना नितांत आवश्यक है। तो हम प्रशासन और शासन से मांग करते हैं कि 15 दिन के अंदर इस ठेके को कहीं स्थापित कर दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की। यह मामला है साहब कि अरे घर में आवत हैं, दारू पियत हैं, सब मारत हैं, काटत हैं और झगड़ा लड़ाई हुआ था फालतू के, और जौन पी पी के आवत हैं सब मारे, कोई नरक मचावत हैं, घर में बुझ जात हैं। यहाँ है दारू के ठेका हट जाए चाहिए ठीक से। मामला ये है भैया कि हमारे ग्राम पंचायत तपे सिपाह में दारू का ठेका जो सरकारी ठेका संचालित है, ये यहाँ पे न होके मुखिया पुरवा में होना चाहिए था और यहाँ पे है, इसलिए गांव की महिलाओं, बहन बेटियों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग दारू पी के आके किसी के घर में घुस जाते हैं, उल्टी सीधी बात, अभद्रता, छींटाकशी यही सब करते हैं। इसलिए महिलाएं कभी 150-200 की संख्या में इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रही हैं कि इसको हटाया जाए। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले जिला अधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी को एक ज्ञापन दे दिया जाए, एक अल्टीमेटम 15 दिन का, कि वो लोग अपना शासन प्रशासन के द्वारा हटाएं। अगर नहीं हटा रहे हैं तब हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। मामला ये है कि जब से शराब का ठेका हुआ है तब से हम लोगन के लिए दिनों दिन परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हम लोगन के लिए इतना दिन रात परेशानी है कि इंसान है घर में, आदमी कहीं बाहर चले जाते हैं और यहाँ पर लोग दारू पी के आवत हैं और सीधे घर में घुस जावत हैं। ये नहीं जानत हैं कि हाँ हम यहाँ पर हम कहाँ जाई थे, कहाँ नहीं जाई थे। लड़कियाँ हैं, कोई सयान जैसे बेटियाँ हैं या घर में महिलाएँ हैं, तो घर में कोई है या ना है तो उनके लिए दिनों दिन कत्ती समस्या है, बहुत परेशानी है। इसीलिए हम चाहे थे कि हमारे यहाँ से शराब के ठेका बहुत जल्दी है से हट जाए और कहीं भी रहे, इससे हमसे कोई दिक्कत ना, लेकिन यहाँ से गांव में हम नहीं चाहे थे कि रहे। भैया का गांव में है बहुत मजबूरी है, दारू ठेका गाँव में है और यहाँ होता है बिटिया लोग सब लेटरिन बाथरूम जाती हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। दारू पी के लोग आते हैं, द्वारे पर गाली देते हैं और बहुत बवाल करते हैं। हमका लोगन का यही परेशानी है कि दारू ठेका यहाँ से हट जाना चाहिए।